सो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो हार्ड डिस्क का इशू आता है सीपी प्लस डीवीआर में, या किसी भी डीवीआर में हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्ट का प्रॉब्लम आता है, या आपकी हार्ड डिस्क दिखाती नहीं है डीवीआर में, रिकॉर्डिंग रुक जाती है, ये सारे प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे। किसी भी डीवीआर में आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आज की वीडियो के मेथड को चेक करके, क्योंकि मोस्टली ये हार्डवेयर रिलेटेड इशू है। इसको सॉल्व करने का तरीका तकरीबन सभी डीवीआर में सेम होता है 99.99%। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सो फ्रेंड, आपको इस ट्रबल शूटिंग में जो जो चीज़ें लगने वाली है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रिकमेंड कर दी है, कौन से अच्छे पावर अडाप्टर्स हैं, कैसे आप सॉल्व करोगे, क्या क्या टूल्स आपको चाहिए होंगे, आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कोई टूल नहीं मिलता है या कोई आपको पार्ट नहीं मिलता है, मैंने रिकमेंड कर दिया है, आप उसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड, आज का जो प्रॉब्लम है कि भाई ये सीपी प्लस का डीवीआर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप ओल्ड मॉडल का डीवीआर है, जैसे कि आप देख रहे हो फोटो में, ये ओल्ड मॉडल का डीवीआर है सीपी प्लस का, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है। इसमें जो हार्ड डिस्क का इशू है, हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो इस इशू को कैसे सॉल्व करना है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या इसकी वजह होती है, वो हम जानेंगे, और कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है ये प्रॉब्लम, 99% ये प्रॉब्लम 5 से 10 मिनट में सॉल्व हो सकता है, और इसके आप सर्विस चार्ज भी अच्छे खासे ले सकते हो। 500 रुपये से 700 रुपये तक की सर्विस चार्ज आप इसके ले सकते हो, प्लस मटेरियल जो भी आपको लगेगा उसकी कॉस्ट आप अलग से ले सकते हो। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी देखो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेन्यू में लॉगिन करूँगा। हमारा यहाँ पर ये हमारा कैमरा रखा हुआ है, आपको कैमरा दिख रहा है, और उसके सामने तीन ऑब्जेक्ट मैंने रखे हैं, तीन अलग अलग कलर के, येलो है, ग्रीन है और रेड है, जो कि आप देख रहे हो ये येलो वाला है और ये ग्रीन है और ये रेड कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए एक ही कैमरा कनेक्ट किया है, फिर भी यहाँ पे हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम आ रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इस तरह के केसेस आपके पास आ सकते हैं, अगर आप एक सीसीटीवी मेंटेनेंस का काम कर रहे हो, या अगर आप सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हो, या आप खुद के सीसीटीवी में भी आपके डीवीआर में ये प्रॉब्लम आ सकता है। आप खुद सॉल्व करके जो सर्विस चार्ज के पैसे वो आप बचा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, सेटिंग्स पर क्लिक करके हम स्टोरेज में जा रहे हैं, स्टोरेज में हम जाते हैं हार्ड डिस्क मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क नहीं दिखा रही है, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हार्ड डिस्क बिल्कुल भी यहाँ पर शो नहीं कर रही है, हार्ड डिस्क यहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं कर रही है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं ये डीवीआर को ओपन कर लेता हूँ। इसको बैक साइड में स्क्रू रहते हैं, यहाँ पर आपको 4 स्क्रू मिलेंगे, या हो सकता है मॉडल अगर आपका चेंज हो तो आपको साइड में स्क्रू मिल सकते हैं, इस साइड में मिल सकते हैं या बैक साइड के पैनल पर मिल सकते हैं। यहाँ पे वायर्स कनेक्टेड है तो मैं थोड़ा स्लोली ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मैं ये डीवीआर मैंने ऑलरेडी इसके स्क्रू खोल के रखे हैं, ये देखिए, ये मैं आपको स्क्रूज बता रहा हूँ जो मैंने हाथ में लिए है। मैंने इसके स्क्रूज खोल कर रखे है, ये मैंने ऊपर का कवर निकाल के यहाँ पे रख दिया है, स्क्रूज इसमें रख दिए। अब आपको दिख रहा है डीवीआर के अंदर ऑलरेडी हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये हार्ड डिस्क हमारी लगी हुई है, कनेक्टेड है, ठीक है। बट ये हार्ड डिस्क घूम नहीं रही है, इसके अंदर जो प्लैटर्स होते हैं वो घूमते हैं, जिसका यहाँ पर वाइब्रेशन फील होता है, तो घूम नहीं रही है हार्ड डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क बिल्कुल भी साइलेंट है। तो इसका एक प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम, आप हार्ड डिस्क को हाथ लगाकर समझ सकते हो, अगर आपकी हार्ड डिस्क वाइब्रेट नहीं हो रही है, मतलब वाइब्रेशन आपको फील नहीं हो रहा है, तो ये पावर का प्रॉब्लम है। अब पावर के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे, जो डीवीआर का अडैप्टर होता है वो पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को, जो पावर अडैप्टर हमारे ऊपर लगे हुए हैं, इन पावर अडैप्टर में एक डीवीआर का पावर अडैप्टर है और एक कैमरे का है। तो डीवीआर का जो पावर अडैप्टर है वो यहाँ पे कम पावर सप्लाई कर रहा है हार्ड डिस्क को, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क हमारी डिटेक्ट नहीं हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको शट डाउन कर देते हैं, आपको डीवीआर को शट डाउन कर देना है। तो फ्रेंड, आप देख रहे हो यहाँ पर जो डीवीआर में हमारे हार्ड डिस्क लगी हुई है, लेकिन वो वाइब्रेट नहीं हो रही है। तो हम पहले चेक करेंगे इसका पावर अडैप्टर के, भाई पावर कहीं खराब तो नहीं है, जिसकी वजह से पावर हमारा कम मिल रहा है, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क हमारी रन नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ पे इसे क्या करता हूँ, इसका जो पावर का अडैप्टर है उसे मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ से बंद किया मैंने पावर अडैप्टर, और मैं इस अडैप्टर को निकाल देता हूँ यहाँ से, और इसमें दूसरा अडैप्टर लगाता हूँ जो कि थोड़ा ज़्यादा पावर वाला है। मतलब ये डीवीआर 2 एम्पेयर का पावर सप्लाई पे चल जाता है, मैं इसे लगा रहा हूँ 3 एम्पेयर का, क्योंकि हो सकता है 2 एम्पेयर वाला भी कम पड़ रहा हो। और अगर आप जो ओरिजिनल डीवीआर का अडैप्टर होता है
वो एक्चुअल वोल्टेज देता है। और जब आप मार्केट से कोई दूसरा लेकर लगाओगे, जैसे कि कोई शादी कंपनी का लेकर लगाओगे, ओईएम कंपनी का, तो उसमें पावर कम आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे अभी से पावर अडाप्टर चेंज कर दिया है, मैंने ज्यादा वोल्टेज वाला पावर अडाप्टर लगाया है, 3 एम्पेयर वाला लगाया है, ताकि भाई हार्ड डिस्क को पावर कम ना पड़े। अब जब सिस्टम चालू हो रहा है तो मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रहा है इस हार्ड डिस्क में। अब जब सिस्टम हमारा पूरा स्टार्ट हो जाएगा तो मेनू में आने के बाद हम लोग देखेंगे कि भाई पावर अडाप्टर चेंज करने की वजह से हमारा जो हार्ड डिस्क का इशू है वो सॉल्व हो गया है। देखिए हमारा यहाँ पे DVR अभी आ चुका है, और हम मेन मेनू में जाते हैं, यहाँ पे मेन मेनू में जाते हैं, स्टोरेज में जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए वापस से हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रही है। अब अगर आपकी यहाँ पर हार्ड डिस्क वाइब्रेट हो रही है और उसके बावजूद भी अगर आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रही है, तब आपका हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम रहेगा, तब आपकी हार्ड डिस्क में फॉल्ट है। उस वक्त आप क्या कर सकते हो, दूसरी हार्ड डिस्क आपके DVR में लगा के चेक कर सकते हो। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। ये हार्ड डिस्क मैंने जानबूझकर ऐसी हार्ड डिस्क लगाई है जो हार्ड डिस्क वर्क नहीं कर रही है, ताकि आपको मैं प्रॉब्लम समझा सकूं कि पहली स्टेप आप क्या लोगे। पहली स्टेप आप पावर अडेप्टर की लोगे। पावर अडेप्टर में अगर आपकी हार्ड डिस्क में वाइब्रेशन आपको फील हो रहे हैं, आपकी हार्ड डिस्क फिजिकली वर्क कर रही है, लॉजिकली वर्क नहीं कर रही है, मतलब उसके अंदर का डेटा वगैरह नहीं दिख रहा है, वो लॉजिकल वर्क होता है। और फिजिकल वर्क ये होता है कि भाई हार्ड डिस्क का जो इंजन है वो चालू हो गया है, उसको पावर सप्लाई मिल रहा है, उसका सर्किट चल रहा है, ये फिजिकल वर्क होता है। तो फिजिकली हार्ड डिस्क हमारी वर्क कर रही है, लेकिन लॉजिकली वो वर्क नहीं कर रही है। इस केस में हम हार्ड डिस्क चेंज करेंगे। तो अभी हम दूसरी हार्ड डिस्क इसको लगाते हैं, और दूसरी हार्ड डिस्क लगाने के बाद चेक करते हैं कि भाई क्या स्टेटस रहता है। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी वापस से हमारे DVR को हम लोग शट डाउन करेंगे। शट डाउन करने के बाद उसमें हार्ड डिस्क दूसरी इंस्टॉल करेंगे, और दूसरी हार्ड डिस्क इंस्टॉल करने के बाद वापस से उसे कनेक्ट करके चेक करेंगे कि भाई हमारा जो हार्ड डिस्क डिटेक्शन का जो इशू था, जो प्रॉब्लम था, वो सॉल्व होता है या नहीं होता है। अगर आप लोगों ने हार्ड डिस्क कैसे इंस्टॉल करनी है DVR में ये आपको नहीं पता है, तो CCTV सीरीज का हमारी चैनल पर CCTV सीरीज की जो प्लेलिस्ट है, इसका 3 नंबर का वीडियो आप देख ले, जिसमें DVR का कंप्लीट इंस्टॉलेशन बताया हुआ है। उसमें बताया हुआ है कि हार्ड डिस्क कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे फॉर्मेट करते हैं, सब कुछ बताया हुआ है। जो हार्ड डिस्क रिप्लेस करते हुए वीडियो आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वीडियो का टाइम कम करते हुए आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अभी देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने यहाँ पर हार्ड डिस्क चेंज कर दी है। अभी यहाँ पर मैंने दूसरी 2 TB की हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर दी है इस DVR में, और मैंने DVR को पावर ऑन किया है, और अभी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क वाइब्रेट भी हो रही है, और ये हार्ड डिस्क इसमें डिटेक्ट करेंगी, क्योंकि मुझे पता है ये हार्ड डिस्क वर्किंग है। वो हमने हार्ड डिस्क इसके पहले जो लगाई थी वो एक्चुअली पावर ऑन होती है, लेकिन वो दिखाती नहीं है, मतलब उसका स्टोरेज नहीं दिखाता है, लॉजिकली वो वर्क नहीं करती है। तो आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए मैंने बताया था कि हो सकता है आपकी हार्ड डिस्क भी इस तरह के प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस केस में आपको हार्ड डिस्क को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने से पहले आप एक बार आपकी हार्ड डिस्क को किसी कंप्यूटर पे या दूसरे DVR पे लगाकर चेक कर ले, अगर वो वहाँ पर डिटेक्ट हो रही है तो आप उसे रीयूज कर सकते हो, उसे फॉर्मेट करके या फिर उसे नए से इनिशियलाइज करके रीयूज कर सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं दिखा रही है किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी DVR में, तो वो हार्ड डिस्क डेड हो चुकी है, मतलब स्क्रैप करना पड़ेगा, आप उसकी जगह पर नई हार्ड डिस्क इंस्टॉल करो। तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम हम लोगों ने देखे। अभी देखिए ये DVR स्टार्ट हो गया, अभी इसने कोई एरर नहीं दिया यहाँ पर, नो हार्ड डिस्क वाला। मेन्यू में हम लोग जाते हैं वापस से, मेन्यू में जाने के बाद स्टोरेज में जाते हैं, स्टोरेज में हार्ड डिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पे देखिए 2 TB वाला हार्ड डिस्क यहाँ पे एक दिख रहा है, SATA 1 पे कनेक्टेड बता रहा है। अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, अब यहाँ पर दिखा रहा है 1.81 TB स्टोरेज अवेलेबल। तो फ्रेंड, हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली जो हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्ट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया CP+ DVR में। किसी भी DVR में आपको ट्रबल शूटिंग इसी तरीके से करनी है, क्योंकि हार्डवेयर लेवल का वर्क है, तो आपको काम एक ही तरीके से करना है। सिर्फ मेनू आपका अलग हो सकता है, इक्विजन में आपको ऑप्शन कहीं और आएगा, दूसरे किसी DVR में ऑप्शन कहीं और आएगा, लेकिन ट्रबल शूटिंग स्टेप यही रहेंगे। पहले आप पावर अडाप्टर चेक करेंगे, दूसरे स्टेप में आप हार्ड डिस्क चेक करेंगे, और इसके बाद भी अगर आपका इशू सॉल्व नहीं होता है तो आप आएंगे इन केबल्स के ऊपर। ये जो केबल्स कनेक्टेड आप देख रहे हैं DVR के अंदर, जो साटा की केबल है और पावर की केबल है, इस तरह की केबल्स होती है, तो इस तरह की केबल्स आपको चेंज करके देखना है। अगर केबल्स खराब होती है तभी भी आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करेंगी। तो ये तीन ट्रबल शूटिंग ही रहेंगी आपको हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्ट का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो, मोस्टली उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद अगर प्रॉब्लम आता है तो वो DVR के कार्ड पे होता है,
रिवेयर का कार्ड अगर खराब होता है तो वो आपको रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो प्रॉब्लम आपको आ रही होगी, जिस प्रॉब्लम के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, होप कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए होंगे। अगर आप कर पाए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर नहीं कर पाए क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी कमेंट करके बताएं, आपको उस पर भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।